इजी तो है में फिर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में मैंने चर्चा की थी पैसों की खेती के बारे में। देखिए, पैसों की खेती से हमारा मतलब केवल बचत और निवेश है। खेती आप कैसे करते हैं? आप बीज लेते हैं, उसे जमीन में डालते हैं, सींचते हैं, खाद डालते हैं और थोड़ा सा वक्त देते हैं। कुछ वक्त के बाद वो एक अच्छी खासी फसल आपकी तैयार हो जाती है। यही चीज बचत और निवेश पे भी लागू होती है। देखिए, बचत और निवेश क्या है ये समझिए। सबसे पहले आप अपने मंथ का जो भी है खर्च, उसको अपनी आमदनी में से कम कर दीजिए। जो भी रकम है वो आपकी बचत है। बचत के पैसे को अगर हम फिर से काम पे लगा दें, मान लीजिए कि किसी ऐसी जगह निवेश करें जहां हमें रिटर्न अच्छा मिलता है, तो वो निवेश है। आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप SIP लेते हैं, वो एक निवेश है। उसमें जोखिम ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें फिर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। मान लीजिए आप अपने महीने के खर्च के बाद 10,000 रुपये बचा लेते हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट में छोड़ दिया, सेविंग्स अकाउंट में आपको क्या मिलेगा? लेकिन वही पैसा अगर आप एक प्लानिंग के साथ, एक योजना के साथ, समझदारी के साथ अगर निवेश करें, तो उससे आप एक अच्छी खासी रकम जुटा सकते हैं कुछ समय के बाद। बचत में आपको जोखिम नहीं लेना होता। आपने जो भी अमाउंट अपने बैंक में डाल दिया वो आपके पास है, वो पड़ा हुआ है। निवेश में जितना भी आप जोखिम की तरफ बढ़ेंगे, रिटर्न उतना बड़ा होगा। लेकिन जब तक आप जोखिमों से निपटने के तौर तरीके न जानते हो, मेरी सलाह है कि जोखिम कम ही लेना बेहतर रहता है। आप फिक्स्ड रिटर्न वाली चीज़ों में जा सकते हैं, आप SIP की तरफ से जा सकते हैं। मार्केट में जाने की नौबत तो बहुत बाद में आती है। देखिए, जो आपके बड़े प्लान हैं, जो आपके बड़े खर्चे हैं, जिसके लिए आपको वित्तीय प्लानिंग की ज़रूरत होती है, आप घर के लिए डाउन पेमेंट जुटाना चाहते हैं या आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एक अच्छी खासी रकम जमा करना चाहते हैं या आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केवल बचत से काम नहीं चलेगा, निवेश की तरफ जाना ही होगा। अब रही बात कि हम बचत और निवेश करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, या अगर हम थोड़ा बहुत कुछ करते भी हैं तो उससे हमें डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो क्या दिक्कतें क्या हैं? एक आम मध्यम वर्गीय हिंदुस्तानी खर्च में अधिक विश्वास रखता है, लेकिन आपको उसका अपनी आमदनी और खर्च का बैलेंस बनाना सीखना होगा। बजट अपने खर्च का अच्छे से बनाना होगा। अब उसमें भी एक दिक्कत है कि अब अगर हम बजट बनाते हैं तो हम ये करते हैं कि हम अपने बड़े खर्चों को उसमें रखते हैं, जैसे कि हमारे घर की EMI क्या है, हमारे गाड़ी की EMI क्या है, या दूसरी जो बड़ी बड़ी खर्चों की चीज़ें हैं वो क्या है, लेकिन छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे खर्च हैं जो रोज़मर्रा के तौर पर हो रहे हैं, वो एक बड़ा पोर्शन हमारी आमदनी में से लेके गायब हो जाता है, हमें उसको देखना होगा। तो सबसे पहले यह है कि अपनी बजटिंग बहुत ही कड़ाई से करिए, हर चीज़ की करिए, और उसके बाद देखिए कि आपके पास कितना पैसा बच रहा है या कहाँ कहाँ पैसे के बचाने की गुंजाइश हो रही है। जो भी आपकी बचत हो रही है उसको फिर आप निवेश में डालिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि बेकार के खर्चों से बचिए। देखिए, अभी तो त्योहारी सीजन है, या नहीं भी हो तो हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स आप देखते रहते हैं, विज्ञापन आते रहते हैं, या मान लीजिए आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए गए, आपको कोई एक चीज़ पसंद आ गई, लेकिन मेरी राय है कि आप उस चीज़ को तत्काल न खरीदें। केवल इसलिए न खरीदें कि वो आपको पसंद आ गई है। आप अपनी पसंद को एक कूलिंग पीरियड दें, जो कि कम से कम 24 घंटे का होना चाहिए। 24 घंटे के बाद आप यह सोचिए कि क्या वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। अगर 24 घंटे के बाद भी आपको लगता है कि हाँ वो बहुत ज़रूरी चीज़ है या आपको बहुत ही अच्छी डील मिल रही है, तो आप ज़रूर लीजिए उसको, अपनी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करिए। पैसा हम इसी के लिए कमाते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बेवजह खर्च नहीं करिए। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं आज के दौर में वॉरेन बफे। अब वो बहुत सालों तक नोकिया का फ्लिप वाला फ़ोन इस्तेमाल करते रहे, जबकि एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है शायद इलेक्ट्रॉनिक्स की, और जो उसके फ़ोन बड़े चर्चित होते हैं,
उस एप्पल में उनकी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है। एप्पल के हिस्सेदार होने के बाद भी वो नोकिया का फोन क्यों इस्तेमाल करते हैं, फ्लिप वाला फोन क्यों इस्तेमाल करते रहे? पिछले दिनों सीएनएन को इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं किसी भी चीज को तब तक बेकार नहीं मानता हूं जब तक कि वो 20-25 साल पुरानी ना हो जाए। मतलब कि बेवजह खरीदारी में वॉरेन बफे भी विश्वास नहीं रखते हैं, आपको भी नहीं रखना चाहिए। दूसरा, बचत को लेकर के हमारी एक सोच होती है कि देखो अभी इस महीने जो है हमारा ये खर्च हो जाए, ये काम हो जाए तो अगले महीने से करेंगे। ये अगला महीना कभी नहीं आता, आपको अभी और तत्काल बचत की शुरुआत कर लेनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके पास गुंजाइश है तो। दूसरा, कि अगर हम बजट बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी रकम नहीं बची है, थोड़ी बहुत ही कुछ बचत की गुंजाइश है, तो हम उसे टाल देते हैं, ये भी सही नहीं है। जितनी हो सके उतनी बचत करिए, बचाया हुआ पैसा ही गाढ़े वक्त में आपके काम आएगा। देखिए आज के समय में 500 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हैं मंथली, तो अब इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, नहीं संकोच करना चाहिए। आपकी जो भी आमदनी है और जो भी खर्च है, उसके बाद जो भी बचत है, उसको जरूर निवेश करिए, वही आपके काम आएगा। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कर्ज। देखिए कर्ज किसी भी फॉर्मेट में हो, बचत की या आपकी जो वित्तीय प्लानिंग है उसके सबसे बड़ी दुश्मन है। क्रेडिट कार्ड हम सब लोग बहुत कॉमन यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक कर्ज ही है। क्रेडिट कार्ड से जो भी आप खर्च करते हैं वो आपका आपके ऊपर कर्ज है। आप क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्च करें जितना कि आप अगले महीने उसे चुका सकते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं और एक मिनिमम बैलेंस जो भी कंपनी आपसे मांगती है, मिनिमम जो अमाउंट आपसे मांगती है वो आप दे देते हैं और बाकी पैसा बैलेंस रह जाता है, तो उस पर आपको बहुत ही भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। और दूसरा, कि वह रकम धीरे धीरे एक्युमुलेट होती रहती है, वो बहुत बड़ी रकम बन जाती है, आपके लिए सिरदर्दी साबित होने वाली है। उसके बाद जो आपके, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई बड़ा लोन है, बड़ा कर्ज है, तो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने के बारे में जरूर प्लान करिए। मान लीजिए कि आपने कोई होम लोन ले रखा है, 20 साल या 25 साल का टेन्योर है उसका, तो उसकी किस्त भी आपके बढ़ी जा रही है, तो आप कुछ इस तरह से प्लान करिए कि वो आप जल्दी से जल्दी चुका पाएं। हालांकि होम लोन को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करें, उस पर हम आगे भी कोई अपना एपिसोड लेके आएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा, लेकिन हाँ इस चीज़ को ध्यान में अभी जरूर रखिए। उसके बाद अपने परिवार के लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। वित्तीय मामलों के जितने भी जानकार लोग हैं वो ये जरूर कहते हैं कि आप अपनी आमदनी का, जो अभी आपके महीने की आमदनी है, उसका कम से कम 4 या 6 गुना, मान लीजिए कि आपके पास आपकी आमदनी 50,000 रुपये की है महीने की, तो आपको कम से कम 2 लाख या 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए। इससे होगा यह कि जो आकस्मिक आपकी कोई ज़रूरत हो जाती है या परिवार में कोई ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको इधर उधर से छोटे मोटे कर्ज नहीं लेने पड़ेंगे। और इससे जो आपकी बचत वाली बात है, निवेश है, या जो भी आपकी वित्तीय प्लानिंग है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखना है और कड़ाई से पालन करना है, तो देखेंगे कि आपके भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।